हेलो दोस्तों, प्रशांत क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल 2022 के सीजन में केकेआर को शुक्रवार को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। इस मुकाबले में हैदराबाद ने 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। मुकाबले में केकेआर के प्लेयर नीतीश राणा ने के बल्ले से तबाही देखने को मिली। कोलकाता ने 31 रनों पर 3 विकेट गंवाए थे। ऐसे में नीतीश राणा 30 बॉल पर 1 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए टीम को संभाला। इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 6 चौके भी जमाए। नीतीश राणा का स्ट्राइक रेट 150 का रहा। अपनी पारी के दौरान नीतीश राणा ने एक ऐसा छक्का जमाया जो सीधे डगआउट में रखे एक फ्रिज पर लगा और फ्रिज का कांच टूट गया। नीतीश ने यह छक्का पारी के 13वें ओवर की पहली बॉल पर जमाया। ये ओवर आईपीएल के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने किया था। मलिक ने करीब 150 की रफ्तार से बॉल डाली तो राणा ने कट शॉट मारते हुए थर्डमैन की तरफ शॉट खेला।